Good morning, class. This is our new pathology class in which today we will study about the remaining portion of our GIE, that is liver, gallbladder and pancreas. तो देखिए लीवर जब अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने भाई पेट की बीमारियाँ तो पढ़ ली, तो अब जो अगला पोर्शन आता है वो लीवर ही आता है पेट की बीमारी के बाद में, उससे जुड़ी हुई जो ग्लैंड है अपन वो पढ़ेंगे. लीवर के अंदर जो हम डिज़ीज़ पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ है जिसका नाम है लीवर सिरोसिस. एक बड़ी ही ख़तरनाक वाली बीमारी है जिसमें लीवर आप ये समझिए कि पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और जिसके बाद बचपाना बड़ा मुश्किल होता है. अगर उसके बाद ये लीवर सिरोसिस होने के बावजूद भी अगर कोई पर्सन बचना चाहता है उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ती है तभी वो बच पाएगा, अदरवाइज तो उसकी मौत निश्चित है. अमिताभ बच्चन के अंदर ये डिसऑर्डर है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता था ना, तो ये लीवर सिरोसिस हुआ था जिसका 75% अभी अमिताभ बच्चन का एट प्रेजेंट लीवर जो वो डैमेज है, केवल 25% लीवर के ऊपर वो जिंदा बैठा है. और आप जानते हो लीवर आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस इसी के अंदर चलता है, और मेटाबॉलिक वो प्रोसेस है कि जो आप खाना खा रहे हो उस खाने का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आपके अंदर मेटाबॉलिज्म सही चल रहा है. अगर मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो खाना खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता. और ये सिरोसिस इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़ कैरेक्टराइज बाय डिफ्यूज डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोप्टिक रीजेनरेशन ऑफ हिपैटिक सेल्स. इसमें हिपैटिक सेल डीजेनरेट के साथ साथ में रीजेनरेट भी होती रहती हैं, मतलब ख़राब भी होती रहेंगी, नई नई बनती रहेंगी, ख़राब होती रहेंगी, नई नई बनती रहेंगी. और क्योंकि ये नई बन रही है इसीलिए मैंने कहा अमिताभ बच्चन का 75% ख़राब हो गया पर 25% पर वो ज़िंदा बैठा है, क्योंकि लीवर की कैपेसिटी है, लीवर के अंदर ये बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारी लीवर सेल का कि वो रीजेनरेशन की कैपेसिटी उसके अंदर पाई जाती है. वो डैमेज होता है तो खुद से रीजेनरेट भी हो जाता है. इसलिए वो लोग जो कि क्योंकि मेनली इसका कॉज अल्कोहल होता है, हालांकि इसके अलावा भी अपन बहुत सारे कॉजेज पढ़ेंगे पर मेन कॉज इसका अल्कोहल है, अल्कोहल की वजह से हो रहा होता है. अगर आप अल्कोहल लेना बंद कर देते हैं तो वापस जो लीवर की सेल्स है वो रीजेनरेट होने लग जाएंगी और आप उस बीमारी से बच सकते हैं, मतलब जान गंवाने से बच सकते हैं. तो ये हेल्दी लीवर और ये यहाँ पर सिरोटिक लीवर देखो कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे सिरोसिस हो जाएगा बेचारा मर मरा जाएगा ये लीवर. तो अब क्या है लीवर सिरोसिस? ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें डिफ्यूज डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोटिक रीजेनरेशन ऑफ हिपैटिक सेल देखा जाता है. मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था कि इसमें डीजेनरेशन और रीजेनरेशन साथ साथ में हो रहा होता है, डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है हिपैटिक सेल्स का, वो टूट फूट भी रही हैं और नई बन भी रही हैं, फाइब्रोसिस के साथ साथ में रीजेनरेट भी हो रही है. ये नॉर्मल लीवर देखिए भाई, इसके अंदर वेन्स दिखाई गई हैं, लॉब्यूल्स दिखाया गया है, पोर्टल ट्रायड दिखाया गया है. और ये सिरोस्ड लीवर देखिए जिसमें फाइब्रस सेप्टा देखिए कैसा है, फैटी सेल्स बन जाती हैं, यहाँ फैट डिपॉजिट हो जाएगा और नेक्रोसिस हो गया. देखो आधी कुछ एक सेल्स मर गई, ब्राउन ब्राउन सी हो गई जबकि ऊपर तो नॉर्मल सेल्स थी, यहाँ ब्राउन ब्राउन दिखाई गई जो कि मरी हुई सेल्स हैं. नेक्रोटिक टिश्यू धीरे धीरे रिप्लेस हो जाता है फाइब्रोटिक टिश्यू से और नॉर्मल लीवर की स्ट्रक्चर आती है, और जो नॉर्मल लीवर की स्ट्रक्चर है और वहाँ का जो वेस्क्यूलेचर है यानी ब्लड वेसल जो सप्लाई है वेस्क्यूलर सप्लाई वो ऑल्टर्ड हो जाती है जिससे कि ब्लड और लिम्फ फ्लो इम्पेयर्ड हो जाएगा आपके लीवर का. ना तो ब्लड सप्लाई सही चलेगी या ना तो ब्लड फ्लो सही चलेगा ना लिम्फ फ्लो सही चलेगा, यानी इम्पेयर्ड हो जाएगा. तो जैसे ही लीवर सेल्स मरने लगती है तो वहाँ नेक्रोसिस दिखाई देगा. थोड़े समय बाद ये नेक्रोटिक टिश्यू फाइब्रोटिक टिश्यू से रिप्लेस हो जाएगा और आपके लीवर की नॉर्मल स्ट्रक्चर और वेस्क्यूलेचर बदल जाएंगे, ब्लड और लिम्फ फ्लो इम्पेयर्ड हो जाएगा, हेपेटिक इनसफिशंसी और पोर्टल हाइपरटेंशन पर्सन के अंदर देखने को मिलेगा. लीवर की पोर्टल हाइपरटेंशन लीवर के अंदर जो ब्लड फ्लो का प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा. अब लीवर सिरोसिस की डेफिनेशन हमने बोला कि सिरोसिस लीवर की एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको फाइब्रोसिस और नोड्यूल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. फाइब्रोसिस कहते हैं स्कारिंग को, स्कार जो टिश्यू मरमरा सा जाता है, जैसे अपन बाहर अगर कहें निशान सा रह जाता है कई बार चोट लगती है तो स्कार है, तो वैसे ही लीवर के अंदर हो जाता है और वहाँ पर गांठें बनी हुई आपको लीवर में दिखाई देगी, यानी नोड्यूल फॉर्मेशन दिखाई देगा. सिरोसिस का डेवलपमेंट इंसीडियस होता है, लंबे समय तक ये प्रोसेस चल रहा होता है. यूजुअली क्रॉनिक लीवर डिजीज़ के
काफ़ी सालों के बाद ये देखने को मिलता है सिरोसिस। ऐसा नहीं कि अभी लिवर डिजीज हो रहा, अभी आपका लिवर पूरा पूरा मर गया, ऐसा कभी नहीं होगा। काफ़ी साल लगते हैं इस सिरोसिस को डेवलप होने में। सिरोसिस क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का एक कॉन्सिक्वेंस है कि किसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हुई तो आगे उसमें सिरोसिस देखने को मिलेगा, जिसको आप किससे पहचानते हो कि नॉर्मल लिवर टिश्यू जो है वो फाइब्रोसिस के द्वारा रिप्लेस हो जाता है स्कार टिश्यू से, और रीजनरेटिव नोड्यूल्स वहाँ पर दिखाई देंगे और लिवर का फंक्शन वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब इंसिडेंस भाई कितना कहाँ कैसे दिखाता है, तो सिरोसिस 8th लीडिंग कॉज है यूनाइटेड स्टेट में डेथ का, 8वां बड़ा कारण, और 20% पेशेंट्स जो है वो क्रॉनिक लिवर डिजीज की वजह से, ये जो वायरस का इन्फेक्शन हो रहा होता है हेपेटाइटिस सी वायरस के इन्फेक्शन से, और 10-20% पेशेंट जो है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन के बाद जो है वो सिरोसिस को डेवलप कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे बड़ा कारण एल्कोहल, एल्कोहलिक हो सकता है, पोस्ट नेक्रोटिक के कोई नेक्रोसिस हुआ होगा, कार्डियक और बिलियरी, एल्कोहलिक पोस्ट नेक्रोटिक बिलियरी कार्डियक। इसके अलावा हिमेटोक्रोमेटोसिस की वजह से भी हो सकता है, रेयर फॉर्म्स एंड सिरोसिस ऑफ अननोन इटियोलॉजी, कई बार हमें इटियोलॉजी पता ही नहीं होती है। कार्डियक अपन कंजेसिव भी कह सकते हैं, एल्कोहलिक सिरोसिस, लेनिक्स सिरोसिस भी कहलाता है, माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस और पोर्टल सिरोसिस भी इसको कहते हैं। जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उन्हीं में अल्कोहलिक सिरोसिस ऑब्वियस होएगा, फाइब्रोसिस भी इसमें हो जाता है कुछ वेन्स के, सेंट्रल वेन्स के आसपास और पोर्टल एरियाज के आसपास। इसमें क्रॉनिक अल्कोहलिक एब्यूज़, जो लोग बहुत बहुत ज़्यादा शराब पी रहे होते हैं उनमें ये देखने को मिल रहा होता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं और वहाँ पर कुछ ऑफेंडिंग एजेंट्स की वजह से नोड्यूल्स जो है वो दिखाई दे रहे होते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स। पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस को अपन मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस, टॉक्सिन इंड्यूस सिरोसिस भी कहते हैं। वर्ल्ड वाइड फॉर्म है ये, बहुत कॉमन ही, ब्रॉड बैंड स्कार टिश्यू के इसमें दिखाई देंगे। पोस्ट एक्यूट वायरल बी या सी हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है, पोस्ट इंटॉक्सिकेशन किसी को हो जाए, जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करें तो इंडस्ट्रियल केमिकल्स की वजह से कई बार टॉक्सिटी ब्लड के अंदर जनरेट हो जाती है, तो उसके बाद ये देखने को मिलता है, ये विमेन के अंदर काफ़ी कॉमन होता है। बिलियरी सिरोसिस, बाइल डक्ट और लिवर के लोब्स के आसपास स्कार दिखाई देता है क्रॉनिक बिलियरी इंजरी की वजह से, या इंट्रा हिपैटिक या एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी सिस्टम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए उसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कॉलेंजाइटिस इन्फ्लामेशन है भाई ये डक्ट का, बिलियरी डक्ट का जो है वो सिरोसिस कॉज कर सकता है। कार्डियोजेनिक सिरोसिस, जिसको अपन कंजेसिव सिरोसिस भी कहते हैं, ये बहुत रेयर है, ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है जिसमें लंबे समय तक अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो रहा होता तो देखने को मिलता है लिवर के अंदर। ये एवी वॉल्व की डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस किसी को हो जाए कि पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन हो गया जिससे कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, पेरिकार्डियम हार्ट को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, तो कार्डियोजेनिक सिरोसिस देखने को मिलता है। अब इसकी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर क्या हैं, तो क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शन अगर लीवर का हो जाए लंबे समय से, जैसे हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन, तो देखने को मिलता है। फैटी लीवर डिजीज़ किसी को ओबेसिटी और डायबिटीज़ के साथ में हो जाए, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनमें, या प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस किसी को हुआ हो, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कॉलेंजाइटिस किसी को हुआ हो, बिलियरी एट्रीशिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस मैंने पहले भी एक बार आपको इसके बारे में बताया था, एनाफिजियो के अंदर मैंने ये पढ़ा रखा है, आप क्लास देख सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है क्लास मेरी। हीमोक्रोमेटोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लड में आयरन का अमाउंट बढ़ जाता है, आयरन ओवरलोड हो जाता है, वो हीमोक्रोमेटोसिस है, मेल के अंदर देखने में मिलेगा ये अक्सर। या विल्सन्स डिजीज़, ये कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा इसमें, जैसे उसमें आयरन का ओवरलोड हो जाता है, आयरन सेल्स टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाता है, वैसे विल्सन डिजीज़ में कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। या बर्ड चैरी सिंड्रोम, जो कि हिपैटिक वेन के ऑक्लूजन की वजह से होता है, तो ये सब इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। गैलेक्टोसीमिया, के गैलेक्टोज का अमाउंट चेंज हो जाए, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ भी कहते हैं इसको अपन, जिसमें गैलेक्टोज का लेवल बढ़ जाता है। या ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस किसी को हो जाए, या कुछ दवाइयाँ जैसे मिथोट्रेक्सेट, एसिटामिनो के ड्रग्स अगर आप ले रहे हो, या दूसरा कोई
सिंड्रोम हो गया हो, सिफिलिस जैसा इन्फेक्शन हो गया हो, या अमाइलाइडोसिस अमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है, तो इनमें से कोई भी बीमारी हो गई है, डायग्राम बताया गया ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर बीमारियां जो है वो लिवर सिरोसिस का कारण बनती हैं। अब लिवर सिरोसिस की भाई पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो एटियोलॉजिक फैक्टर्स जो अपन ने इतने सारे अभी पढ़े हैं, इनमें से कोई भी अगर फैक्टर वहाँ पे मौजूद है तो वो लिवर की सेल में डिस्ट्रक्शन और रीजेनरेशन कॉज करेंगे, जिससे फाइब्रस टिश्यू बन जाएगा। ये आपको एरो एरो बना करके लिखना, हर एक पॉइंट के बाद एरो लगाते जाना है आपको, जिससे कि लिवर सेल डिस्ट्रॉय होकर के रिप्लेस हो जाएगी स्कार टिश्यू से, नेक्रोटिक टिश्यू से, और वहाँ पे फाइब्रोसिस बन जाएगा। एक्चुअली स्कार टिश्यू से रिप्लेस होगी और नेक्रोटिसिस या नेक्रोटिक टिश्यू से फाइब्रोसिस बन जाता है। सिरोसिस लिवर टिश्यू को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, इससे ब्लड लिम्फ और बाइल का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और जब ये चीज़ें ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो ब्लड सप्लाई वगैरह पहुँचेगी नहीं भाई आपके लिवर तक, तो हिपैटिक इनसफिशंसी हो जाएगी कि ना ब्लड पहुँच रहा है, ना ऑक्सीजन पहुँच रही है, और ना वेस्ट रिमूव हो रहा है। तो ये लिवर सिरोसिस की पैथोफिजियोलॉजी थी। अब लिवर डैमेज जो हो रहा होता है वो अलग अलग स्टेजेस में होता है, क्योंकि इसमें लिवर डैमेज ही तो हो रहा है लिवर सिरोसिस में कि लिवर डैमेज होने लग जाता है। तो ये देखिए हेल्दी लिवर स्टेजेस बताई गई हैं, इसके बाद फैटी लिवर होगा, फिर लिवर फाइब्रोसिस होगा, और फिर फाइनली सिरोसिस हो जाएगा। हेल्दी लिवर में, फैटी लिवर में क्या हो जाता है, हेल्दी लिवर के अंदर जब फैट डिपॉजिट हो जाता है तो लिवर एनलार्ज हो जाएगा, फूल जाएगा, येलोइश कलर का हो जाएगा, इसके ब्लंट एंड हो जाते हैं। ये फैटी लिवर डिजीज़ है, आपने फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ी होगी ये डिजीज़। तो फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, ये फैटी लिवर, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, ट्रीट नहीं किया गया, तो लिवर फाइब्रोसिस हो जाएगा, जिसमें नेक्रोसिस हो जाएगा, नेक्रोसिस की जगह स्कार टिश्यू आ जाएंगे और ज़्यादा लिवर सेल में इंजरी होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ये स्कार टिश्यू और ज़्यादा हार्ड होते जाएंगे और लिवर को हार्ड बना देंगे कि वो बेचारा अपना काम ही नहीं कर पाएगा। इसी कंडीशन को अपन लिवर सिरोसिस कहते हैं। अब CM देखिए भाई, तो CM जो है लिवर सिरोसिस, क्योंकि मैंने कहा कि लिवर आपकी बॉडी का बहुत बड़ा ऑर्गन है जो कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, तो जब लिवर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका असर आपकी बॉडी के हर सिस्टम पे पड़ेगा। एक्चुअली से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दो स्टेज में दिखाई देता है, अर्ली स्टेज और लेट स्टेज। अर्ली स्टेज में तो भूख नहीं लगेगी, नोजिया वॉमिटिंग हो जाएगा, डायरिया माल एब्जॉर्प्शन की वजह से होता, डल एब्डोमिनल एक दिखाई देता है, हल्का हल्का पेट दर्द होगा। अगर उस समय आपने ट्रीटमेंट ले लिया तो अच्छी बात है, या कंट्रोल कर लिया तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं किया तो इसकी लेट स्टेज डेवलप हो जाएगी, जिसमें कि अलग अलग सिस्टम पर उसका असर देखने को मिलेगा। तो अर्ली मैनिफेस्टेशन सिरोसिस का ऑनसेट जो इंसीडियस होता है, और अर्ली सिम्टम में थकावट रहने लगती है, और मैंने कहा एनोरेक्सिया नोजिया वॉमिटिंग डायरिया फ्रॉम माल एब्जॉर्प्शन एंड डल एब्डोमिनल एक अर्ली स्टेज में दिखाई देगा, जबकि लेटर स्टेज के अंदर लेटर सिम्टम्स सीवियर हो सकते हैं, जिसकी वजह से लीवर फेल्योर हो जाएगा, या पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, पेट में पानी भर जाता है, पेरिफेरल एडिमा हो जाता है धीरे धीरे। लेट सिम्टम्स में स्किन में घाव बन जाते हैं, ब्लड के डिसऑर्डर हो जाते हैं, एंडोक्राइन डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम आपका पूरा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। अब क्लिनिकल सिस्टमिक कौन कौन सिम्टम्स हैं, तो देखो मैंने कहा अलग अलग सिस्टम पर असर पड़ता है, तो न्यूरोलॉजिक पे हिपैटिक एनसेफेलोपैथी हो जाएगी जो ब्रेन का डिसऑर्डर है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और एस्टेरिक्सिस हो जाती है। एस्टेरिक्सिस आपको ना याद रहे, आप ऊपर के दो पॉइंट्स याद रखिए, GIT में भूख नहीं लगेगी, पानी पीने निकलने करने में सब में दिक्कत आएगी, नोजिया वॉमिटिंग होगा, आपकी इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, हल्का हल्का पेट दर्द होएगा, हेपेटिकस फैटर दिखाई देगा, ईसोफेगल और गैस्ट्रिक में वायरसेस, पेट में इन्फ्लामेशन वगैरह, खून की उल्टियां आना और हेमरॉइडल वायरसेस दिखाई देगा। रिप्रोडक्टिव में फीमेल्स के अंदर ए मिनोरिया यानी मेंस्ट्रुअल के एब्सेंस, मेल में टेस्टिकुलर एट्रोफी जिसमें टेस्टिस छोटी हो जाती है, गाइनेकोमेस्टिया मेल में होता है जिसमें फीमेल की तरह ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। वैसे तो ये पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ा रखा है, फार्मा के अंदर ये सारे वर्ड्स आए हुए हैं ना, और इम्पोटेंसी मेल में कॉज हो जाती है। इंटेग्यूमेंट्री में स्किन पीली पड़ जाती है, स्पाइडर एंजियोमा हो जाएगा, पामल एरिदेमा हो जाता है, परप्यूरा हेमरेज का फॉर्म है भाई परप्यूरा, पेटेशिया हेमरेज का फॉर्म है, और कैपिट मेड्यूसी। हिमेटोलॉजिक में खून की कमी हो जाएगी, प्लेटलेट की कमी, WBC की कमी, कोग्यूलेशन डिसऑर्डर के ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, और स्प्लीन फूल जाएगी, RBC टूटने लग जाती है।
मेटाबॉलिक के अंदर पोटेशियम, सोडियम, एल्ब्यूमिन ये सब कम हो जाएंगे ब्लड में। कार्डियोवैस्कुलर में फ्लूड रिटेन रहने लग जाएगा, पास नहीं होएगा पेरिफेरल, जिसे एडिमा हो जाएगा। भाई फ्लूड पास नहीं होएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर इकट्ठा हो जाएगा यानी एडिमा हो जाएगा और ऐसा पेट के आसपास ऐसा दिखाई देता है। न्यूरोलॉजिकल में ये सारे वही नाम है। इसमें आर्म का एक्सटेंड, रिस्ट का, डॉर्सिफ्लेक्स वगैरह काफ़ी प्रॉब्लम आने लग जाती है। हैंड फ्लैप वगैरह आप करके देखोगे तो पता चलेगा। जीआई में वही सारे नाम है जो अभी अभी अपन ने पढ़े थे। फैक्टर हिपैटिकस जो है वो अकर्स व्हेन योर ब्रीद हैज स्ट्रॉन्ग मस्टी स्मेल। आपकी ब्रीद में बहुत ज़्यादा तेज़ बदबूदार सांस एक्चुअली आपकी हो जाती है इसमें, फैक्टर हिपैटिकस में। ये साइन है कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अगर सांस में बदबू आ रही है तो वो लीवर की प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो फिल्टर हो नहीं पा रहे होते हैं, मतलब लीवर उसको मेटाबोलाइज ढंग से नहीं कर पा रहा, तो वो फिल्टर होकर सांस में दिखाई देंगे। ये अक्सर सीवियर लीवर डिजीज में दिखाई देती है। इसके रिजल्ट से सल्फर सब्सटेंसेस जो हैं आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं एंड कैन मेक देयर वे टू योर लंग्स। ब्लड स्ट्रीम से वो आपके लंग्स के रास्ते से बाहर निकलते हैं, तब फिर बदबू आती है। जब आप एक्सेल करेंगे तो ये सब्सटेंस आपके ब्रीद में एक अजीब स्मेल के रूप में दिखाई देंगे, तो आप सुनेंगे भाई फियर फैटर हिपैटिकस, जिसको अपन ब्रीद ऑफ द डेड, जैसे कि मरे हुए में से मरा हुआ इंसान सांस ले रहा तो उसमें कैसी अजीब सी बदबू आएगी, उसको वैसा आपको लोग कहने लगेंगे, क्योंकि इसमें सीवियर लिवर डिजीज़ हो रही है जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। रिप्रोडक्टिव मैंने बताया ये सारे पॉइंट्स। ओल्डर देखो, यंगर वुमेन में एमिनोरिया और ओल्डर वुमेन के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, कि वेजाइनल ब्लीडिंग कभी ओल्डर में नहीं दिखाई देगी ना, क्योंकि वहाँ तो मीनोपॉज हो जाता है, पर इसमें दिखाई दे रही होती है। और एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर जो है वो ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। इम्पोटेंसी के साथ में लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाती है। इंटेग्यूमेंट्री में सारे पढ़े थे अपन ने। परप्यूरा ये देख लीजिए, मैंने कहा कि हैमरेज होता है, हैमरेज की फॉर्म ब्लड स्पॉट आपको स्किन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इसको पर्पल स्पॉट भी कहते हैं। लो प्लेटलेट के साथ में ऐसे स्पॉट बन जाते हैं स्किन पे, ये परप्यूरा। ये जॉन्डिस, पीला पड़ गया चेहरा। स्पाइडर एंजियोमा, देखो ऐसा लगता है जैसे कोई मकड़ी है, ये नाम आया था ना स्पाइडर एंजियोमा, तो आगे जो भी अभी टर्म्स आई थी ना जो आपको अलग लग रही थी वो यहाँ एक्सप्लेन की हुई है। इसको अपन स्पाइडर नर्वस भी कहते हैं। एल्कोहलिक सिरोसिस में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें ब्लड वेसल्स एनलार्ज हो जाती है स्किन के ऊपर और हेस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड वेसल एनलार्ज हो जाएंगी तो ऐसी मकड़ी जैसी दिखाई देंगी। पामर एरिदेमिया, हाथ के ऊपर लाल लाल चकते पड़ जाते हैं पाम के ऊपर, लीवर पाम्स भी इसको कहते हैं। दोनों पाम्स जो होते हैं वो एक्सेस एस्ट्रोजन की वजह से लाल हो जाएंगे। कैप्यूट मेड्यूसी देखिए भाई, इसमें लार्ज विजिबल डिस्टेंडेड एंगोज पैरा अम्बिलिकल वेन्स आपको दिखाई देंगी सीवियर पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। तो देखो पेट के ऊपर कैसी वेन्स दिख रही हैं, सीवियर पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से दिखाई दे रही है। मेटाबॉलिक में तीन नाम अपन ने लिए ही थे। हिमेटोलॉजिक भी सिंपल है, ब्लड की कमी, प्लेटलेट की कमी, WBC की कमी, कोगुलेशन सही नहीं चलता, ब्लड क्लॉट बनता नहीं और स्प्लीन फूल जाती है। CVM, फ्लूइड रिटेंशन, पेरिफेरल एडिमा, एसाइड्स। अब भाई डायग्नोस कैसे करेंगे, हो गया सारा का सारा लिवर सिरोसिस, अब डायग्नोस कर लें इसको। तो हिस्ट्री कलेक्ट कर लिए बच्चों आप पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, LFT करके देख सकते हैं, तो आपको लिवर एंजाइम्स जैसे AST, ALT ये सब बढ़े हुए दिखाई देंगे, सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ दिखाई देगा। लीवर का अल्ट्रासाउंड कर सकते हो तो जिससे आपको पता चलेगा सिरोसिस कितना सीवियर हुआ है। लीवर की बायोप्सी कर सकते हो तो लीवर सेल में क्या चेंजेस आए हैं, लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑल्टर्ड हुई है क्या वो पता चल जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रम्बिन टाइम का पता चल जाएगा, 11 से 12 सेकंड तक PT जो है वो बढ़ जाता है। CBC करवा सकते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक कर सकते हैं, ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी आप करवा सकते हो जिसको आप अपर एंडोस्कोपी भी कहते हो, सिटी स्कैन करवा सकते हो। कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपको कम मिलेगा क्योंकि फैट का मेटाबॉलिज्म सही नहीं चल रहा है। पैरासेंटेसिस करके देख सकते हैं आप, एसिटिक फ्लूड को एग्जामिन करने के लिए पैरासेंटेसिस किया जाता है, तो पता चलेगा एसिटिक फ्लूड में सेल हैं क्या, प्रोटीन है क्या, बैक्टीरियल काउंट कैसा है, वो सब आप देख सकते हो। इसके अलावा परक्यूटेनियस ट्रांस हिपैटिक कॉलेंजियोग्राफी यानी PTC भी आप करके देख सकते हैं। बस इसके साथ आपका लिवर सिरोसिस जो काफ़ी बड़ा हो चुका है टॉपिक, वो आपका ख़त्म हो गया है। आज के लिए इतना काफ़ी है।